फाइनली बीसीसीआई ने बता दिया कि 2021 में आप सभी को मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाली है, मिनी ऑक्शन नहीं। और ऐसे में गाइस यहां पे बीसीसीआई ने जो कि मेगा ऑक्शन की तैयारी भी स्टार्ट कर दिया है। और आज हम बात करने वाले सभी 8 टीमों की आईपीएल टीमों की सभी रिटेन प्लेयर्स के लिस्ट के बारे में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले बीसीसीआई के बारे में। तो गाइस बीसीसीआई ने फाइनली उन्होंने साफ कर दिया कि 2021 के आईपीएल में आप सभी को मिनी ऑक्शन नहीं मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में मेगा ऑक्शन जब होता है तो गाइस सभी टीम यहाँ पे 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, 3 प्लेयर को वो डायरेक्टली रिटेन कर सकते हैं एंड 2 प्लेयर्स को वो लोग यहाँ पे ऑक्शन में आरटीएम कार्ड के जरिए अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं फिर से। तो गाइस टोटल वो 5 प्लेयर्स को गाइस अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं एंड रिटेन कर सकते हैं, यानी कि 5 प्लेयर कोई भी गाइस उनसे छीन नहीं सकता किसी एक टीम से। तो गाइस अब हम बात करते हैं कौन कौन सी टीम गाइस यहाँ पे रिटेन करने वाली डायरेक्टली अपने प्लेयर्स को और कौन से खिलाड़ी को जो कि आरटीएम कार्ड के जरिए ऑक्शन में अपने टीम में फिर से इंक्लूड करेंगे। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम गाइस यहाँ पे रिटेन करने वाली है यॉन मॉर्गन, आंद्रे रसेल और दिनेश कार्तिक। तो गाइस इन 3 खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहाँ पे डायरेक्टली रिटेन करने वाली है। तो गाइस हम बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी को गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आरटीएम कार्ड के जरिए अपने टीम में फिर से ऑक्शन में इंक्लूड करेगी। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस उनका नाम है सुमन गिल और दूसरे नंबर पे नीतीश राणा। तो गाइस इन दोनों खिलाड़ी को ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आरटीएम कार्ड के जरिए फिर से अपने टीम में इंक्लूड करने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। तो गाइस दूसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो गाइस दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिन जिन खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है डायरेक्टली, श्रेयस अय्यर, कगिसो रवाडा और ऋषभ पंत। तो गाइस अब हम बात करते हैं आरटीएम कार्ड के जरिए कौन से खिलाड़ी को इंक्लूड करेंगे फिर से अपने टीम में। तो गाइस उनका नाम है मार्कस टोनिस और शिखर धवन। तो गाइस इन खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिर से अपने टीम में इंक्लूड करेगी आरटीएम कार्ड के जरिए एंड इन 3 खिलाड़ी को गाइस वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटेन करने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में। तो गाइस तीसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर हैदराबाद की टीम जिनको रिलीज करने वाली है उनका नाम है डेविड वार्नर, राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार। तो इन 3 खिलाड़ी को एसआरएस की टीम रिटेन करने वाली है। तो किस हम बात करते हैं आरटीएम कार्ड के जरिए कौन से खिलाड़ी को उल्लेख इंक्लूड करेंगे अपनी टीम में। तो किस उस खिलाड़ी का नाम है मनीष पांडे और टी नटराजन। तो किस इन 2 खिलाड़ी को एसआरएस की टीम फिर से अपने टीम में इंक्लूड करेगी आरटीएम कार्ड के जरिए। तो किस अब हम बात करते हैं चौथी टीम के बारे में। तो चौथी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो किस हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है। तो किस उनका नाम है स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर। तो इन 3 खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स की टीम रिटेन करने वाली है। तो किस अब हम बात करते हैं आरटीएम कार्ड के जरिए कौन से खिलाड़ी को वो लोग फिर से इंक्लूड करने वाले हैं। तो किस उनका नाम है राहुल तेवटिया और रियान पड़ाक। तो किस इन खिलाड़ी को वो आरटीएम कार्ड के जरिए अपने टीम में फिर से इंक्लूड करने वाले हैं। तो किस अब हम बात करते हैं पांचवी टीम के बारे में। तो किस पांचवी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। तो किस किंग्स इलेवन पंजाब की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है। तो किस उनका नाम है केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और मोहम्मद शमी। तो इन 3 खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। तो गाइस हम बात करते हैं आरटीएम कार्ड के जरिए कौन से खिलाड़ी को वो लोग फिर से अपने टीम में इंक्लूड करेंगे। तो गाइस उनका नाम है क्रिस गेल और निकोलस पुरम। तो गाइस इन 2 खिलाड़ी को वो लोग आरटीएम कार्ड के जरिए अपने टीम में फिर से ऑक्शन में इंक्लूड करने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात कर नंबर 6 टीम के बारे में। तो गाइस 6th टीम जो निकल कर आ रही है उनका नाम है मुंबई इंडियंस की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है। तो गाइस उनमें से नाम निकल कर आ रहा है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। तो गाइस इन 3 खिलाड़ी को वो लोग रिटेन करने वाली है अपनी टीम में। तो गाइस अब हम बात करते हैं आरटीएम कार्ड के जरिए मुंबई इंडियंस की टीम कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में फिर से इंक्लूड करेंगे। तो गाइस उनमें से नाम निकल कर आ रहा है केरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन में से कोई एक खिलाड़ी को ये लोग अपनी टीम में फिर से आरटीएम कार्ड के जरिए इंक्लूड करने वाले हैं।
तो गाइस अब हम बात करते हैं सातवीं टीम के बारे में। तो गाइस सातवीं जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की टीम जिन जिन खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है उनमें से नाम निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और फाफ डु प्लेसी। तो इन तीन खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग की टीम अपनी टीम में रिटेन करने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं आरटीएम गार्ड के जरिए कौन कौन से खिलाड़ी को लोग फिर से अपने टीम में इंक्लूड करेंगे, सुरेश रैना और सैम करन। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की टीम इन दो खिलाड़ी को आरटीएम कार्ड के जरिए अपने टीम में फिर से इंक्लूड करने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं आखिरी टीम के बारे में। तो गाइस आखिरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है। उनका नाम है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और युजवेंद्र चहल। तो गाइस इन तीन खिलाड़ी को आरसीबी की टीम रिटेन करने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं आरसीबी की टीम आरटीएम कार्ड के जरिए कौन से खिलाड़ी को अपने टीम में फिर से इंक्लूड करेंगे। तो गाइस उनका नाम है दीप द पार्टिकल और क्रिस मॉरिस। तो गाइस इन दो खिलाड़ी को आरसीबी की टीम आरटीएम कार्ड के जरिए अपने टीम में इंक्लूड करने वाले हैं। तो गाइस ये रही इन सभी प्लेयर्स की रिटेन, सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट। तो गाइस आपको कैसी लगी सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स, तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।